सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद ऋषभ पंत आखिर क्यों रोने लगे, साथ ही दोस्तों बताया है आखिरकार कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट। दोस्तों बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बताते चले, ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट के बाद कई सारे स्टार उनसे मिलने आ रहे हैं और इसी बीच भारत के ढांकर खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऋषभ पंत से मुलाकात किया। लेकिन ऋषभ पंत सचिन तेंदुलकर को देखते ही रोने लगे। रोते रोते दोस्तों बुरा हाल हो चुका था उनका, तब जाकर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें चुप करवाया और पूछा आखिरकार उनका एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो वहां पे दोस्तों ऋषभ पंत ने बताया है वह पूरी तरह अपने माता को सरप्राइज देने जा रहे हैं और दोस्तों दुबई से लौटे थे और किसी को बताया तक नहीं थे कि वह इंडिया में इस वक्त आ चुके हैं और वह अचानक से सीधा फोर व्हीलर उठाते हैं और रात को निकल जाते हैं। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दें, करीब 5 बजे भोर में वह ऐसे जगह से पहुंचते हैं जहां से रूट की करीब 18 किलोमीटर दूर था और वहां पर एक गड्ढा था। एक गड्ढा के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ है, यह ऋषभ पंत ने खुद बताया। एक गड्ढा को एक्सीडेंट का कारण बताया जा रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दें, एक गड्ढा आया और गड्ढा के पास ही उनका आँख बंद हो चुका था क्योंकि दोस्तों उन्हें नींद लग रही थी और रात भर गाड़ी चलाए हुए थे, इसलिए दोस्तों उनका आंख नींद के कारण बंद हो गया था और एक गड्ढा भी आ गया जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों यह थी पूरी जानकारी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।